किसी भी चीज को समझने के पहले बहुत ज्यादा जरूरी है हम उस चीज की हिस्ट्री के बारे में जानें। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट की एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसकी वजह से आज तक हमारे बड़े बुजुर्ग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, जिसकी वजह से आज तक हमारे बड़े बुजुर्ग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ बड़े लोगों का खेल है, जिसकी वजह से हमारी देश की इकोनॉमी 10-15 साल पीछे चली गई थी। ये कहानी है मन्नू मानिक और उनके बेयर कार्टल की। चैप्टर नंबर 1, द बर्थ ऑफ ब्लैक कोबरा। मन्नू मानिक एक बहुत सीक्रेटिव किस्म के इंसान थे, एक बहुत शातिर आदमी थे। सो मच सो कि इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ओपनली अवेलेबल ही नहीं है और लोग ना बस एस्टिमेट करते हैं कि इस टाइम से ऐसा कुछ हुआ होगा। बोलते हैं इनका जन्म हुआ था फ्रॉम 1948 टू 1952 में से एक सालों में से कभी हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली से थे एंड अगेन फैमिली के बारे में ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल ही नहीं है। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, ये स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आए, साल साल निकलते गए और इन्होंने इंडियन मार्केट्स को फिर अच्छे से समझ लिया और समझने के बाद ये पाया कि इंडियन मार्केट्स को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है और वो बन गए एक ऑपरेटर। ऑपरेटर ये एक ऐसा टर्म है जो आप बहुत कॉमनली सुनोगे एंड स्पेसिफिकली उन लोगों से जो मार्केट्स में बहुत टाइम से हैं या जो काफी ओल्ड हैं, जिन्हें पुराने टाइम का मार्केट्स देख रखा है। ऑपरेटर बेसिकली वो आदमी होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। कैसे? स्टॉक मार्केट में डिमांड सप्लाई होती है, जब स्टॉक्स की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई है कम, तो प्राइसेस कहां जाती हैं? ऊपर। वहीं पे जब स्टॉक्स की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड है कम तो प्राइसेस जाती हैं नीचे। अब ये जो ऑपरेटर्स होते ना, इनके पास इतना सारा पैसा होता था कि ये सिंगल हैंडेडली एक स्टॉक की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ा देते थे कि उसकी प्राइस खुद बढ़ जाती थी और सिंगल हैंडेडली वही स्टॉक इतने सारा बेचते थे, इतनी भर भर की क्वांटिटी में बेचते थे कि सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, प्राइस नीचे। मन्नू मानिक ना दूसरी कैटेगरी में आते थे। उनका एक कोर बिलीफ था कि किसी भी स्टॉक की नीचे जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू ऊपर जाने की और वो थे एक शॉर्ट सेलर ऑपरेटर। करते क्या थे? भर भर के शेयर्स को बेचो, भर भर के, डिमांड हो गई कम, सप्लाई ज्यादा है, प्राइस खुद टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, टूटती जाएगी और वही चीज सस्ते दाम में खरीद लो। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलर और यही थे मन्नू मानिक। बट वो जमाना ही स्टॉक मार्केट से कुछ ऐसा था ना, वो अकेले ऑपरेटर नहीं थे। चैप्टर नंबर 2, द डार्क एजेस ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर मैं बात करूं 1970s की, 1980s की और अर्ली 1990s की, उस समय स्टॉक मार्केट हमारे देश में एक ही मतलब था, मैन्युपुलेशन। उस समय अगर किसी को फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती थी या किसी स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में जानना होता था, सर वो पॉसिबल ही नहीं था बिकॉज उस समय इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं थी। जो इंफॉर्मेशन, जो बैलेंस शीट, जो रिकॉर्ड्स इन्वेस्टर के हाथ में आते थे वो इतने पुराने हो जाते थे उनका फायदा नहीं होता था। और अगर एक इन्वेस्टर को एक्चुअली उस कंपनी के बारे में जानना है, उसके पास सिर्फ एक तरीका होता था कि वो कंपनी को एक एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी जहां पे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े फंड हाउसेस आते थे और वहीं पे वो मैनेजमेंट कुछ बताएगी उस कंपनी के बारे में। सबका जाना तो पॉसिबल था नहीं, तो उस समय आप मानोगे नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता था, आप हेयर और सेम इन्वेस्ट कर रहे हो, लोगों की कही बातों में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो बिकॉज और कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी ही नहीं। इन्वेस्टर्स के हाथ पीछे बंधे हुए थे और बस इतने में कहानी रुकी थी। जो प्रमोटर्स थे, जो बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेस थे, ये खुद अपने में ऑपरेटर्स थे, इनका खुद फायदा होता था सिर्फ स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करके। कहने को तो सेबी फॉर्म हो गई थी ऑन 12th April 1988, बट सेबी की इस टाइम पे कोई सिग्निफिकेंस थी ही नहीं, ना इनके पास ज्यादा पावर्स थी, ना ये फुल्ली ऑटोनॉमस थी। इसलिए जब भी आप सुनोगे लोग क्या बोलते हैं, सेबी वॉज फॉर्म्ड इन 1992, बिकॉज 1992 वो साल था जब सेबी को एक्चुअल पावर्स मिली, जब सेबी एक्चुअली कुड मेक अ डिफरेंस। इस स्टॉक मार्केट की डार्क एजेस ने ना हमारी देश की इकोनॉमी को 10-15 साल पीछे धक्का दे दिया। कैसे? बिकॉज ऑफ दिस हमारे एल्डर्स के दिमाग में एक बहुत क्लियर चीज बैठ गई, जिन्होंने ये पार्ट देखा स्टॉक मार्केट का, कि स्टॉक मार्केट गैम्बल है,
स्टॉक मार्केट में सिर्फ वो लोग पैसे कमाते हैं जो अमीर हैं, स्टॉक मार्केट में सिर्फ वो लोग पैसे कमाते हैं जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रखते हैं। और यही स्टीरियोटाइप्स आज तक हमारी जनरेशन में चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम इंडियंस अपनी देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे और हम इंडियंस बड़े ही नहीं है, हम एडवांटेज ले ही नहीं पाए स्टॉक मार्केट की ग्रोथ का। और आपका इसका दूसरा साइड इफेक्ट बताऊं, एक तो हमारी पर्सनल फाइनेंस खराब हुई, दूसरी चीज ये हुई अब कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता नहीं है, तो कोई कंपनी लेके मार्केट्स में आ भी गया तो ज्यादा पैसे मिलेंगे नहीं, जिसकी वजह से ज्यादा कंपनी हमारे देश में खोल नहीं पाई, जिसकी वजह से हमारे देश में कभी इतनी बड़ी कंपनीज बनी ही नहीं जो इतने सारी जॉब्स दें। कंपनीज इज द ओनली थिंग जो एक देश को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अमेरिका सुपर पावर क्यों है? बिकॉज अमेरिका के पास है गूगल, मेटा, टेस्ला, एमेजॉन, बिगेस्ट ब्रांड्स उनके पास है, बिगेस्ट कंपनीज उनके पास है, सबसे ज्यादा जॉब्स वही कौन दे पाती है, लोग वहां ज्यादा कमाएंगे, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलेंगे, इसलिए अमेरिका ने डोमिनेट किया था उस सेंचुरी को। एंड बिकॉज ऑफ दिस मैनिपुलेशन हमारा देश कभी उस स्पेस में भड़ी नहीं पाया। और अभी तो कहानी शुरू हुई है, ये कहानी और बदतर होती जाएगी। अगर आपको ऐसी डीप केस स्टडीज और एनालिसिस पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, बिकॉज ये तो आप लिख के ले लो कि गोयला ना आपकी स्टॉक मार्केट की प्रॉब्लम को संभाल लेगा। चैप्टर नंबर 3, मनु मानेक द मैन ईटर। लेट 1980s और अर्ली 1990s में अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट करते ना, आपको बैंक देता फ्रॉम 8-12%, 8-12%, बिकॉज ऑफ विच हमारे देशवासियों का एक ही माइंडसेट बन गया कि भाई सिर्फ एफडी में ही पैसे डालते रहो। और उस समय आपको उसी बैंक से अगर लोन लेना होता था ना, आपको कितना इंटरेस्ट पड़ता था? From 16% to 22%। तो सस्ते में तो लोन अवेलेबल था ही नहीं, बट तभी भी कुछ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ट्रेडर्स लोन लेके मार्केट्स में आते थे और एक स्टॉक को टारगेट करते थे कि इस स्टॉक की प्राइस ऊपर ले जाएंगे, इस स्टॉक को मैनिपुलेट करेंगे, इस स्टॉक में ऑपरेटर बनेंगे। उस समय सर्कल था बहुत छोटा और मन्नू माने के कानों में ये सारी बातें पहुंच जाती थी, किसने कहां से उधारी लिए और कौन से स्टॉक को टारगेट कर रहा है। अब मन्नू माने इन्फ्लुएंशियल थे, उनके बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर से बहुत क्लोज रिलेशन से बहुत हैवी दोस्ती थी। वो स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते थे, उनको बोलते थे कि जिस स्टॉक को वो ट्रेडर्स टारगेट कर रहे हैं बढ़ाने के लिए, वही स्टॉक वो ब्रोकर से मांगते थे उधारी पे कि मुझे भर भर के स्टॉक्स दे दो। ब्रोकर्स दे देते थे। अब जब मार्केट में ये ट्रेडर स्टॉक खरीदने पाते थे, डिमांड बढ़ाते थे, मनु मानिक सर और बेचते थे और बेचते थे और बेचते थे और बेचते थे और तब तक बेचते रहते थे जब तक ये सारे ट्रेडर्स खत्म ना हो जाएं। इसको बोलते हैं लेंडिंग एंड शॉर्टिंग। एंड करते 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 मनु मानिक ने ऑलमोस्ट हर बड़े प्लेयर को उस समय मार्केट से रैप ऑफ कर दिया था। और बिकॉज उनका एक डार्क कंप्लेक्शन था, उनका नाम पड़ गया द ब्लैक कोबरा। और ऐसी ही चीजें करते 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 वो कंपटीशन को साफ करते गए, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा फैल गया कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनको हम आज भी जानते हैं वो सब मन्नू माने के कार्टल ज्वाइन करते गए, जैसे राधा किशन दमानी, राकेश झुंझुनवाला, रामजी अग्रवाल, शंकर शर्मा, दिनेश दालमिया, निमेश कंपानी एंड अजय कयान। चैप्टर नंबर 4, द नोटोरियस बेयर कार्टल। मनु मानेक और ऐसे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप बन गया और ये बन गया बेयर कार्टल। और उसको बेयर कार्टल बोलना ना इज अ ग्रोस अंडरस्टेटमेंट। एक्चुअलिटी में ये हमारे देश के शेयर बाजार के गुंडे थे। जैसे ही किसी कंपनी की थोड़ी सी खराब न्यूज आ गई कि चलो डेट ज्यादा बढ़ गया या कंपनी का प्रॉफिट शायद इतनी बार नहीं हुआ या वहां पे कुछ यूनियन में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारा बेयर कार्टल उस कंपनी पे चढ़ जाता था और उस कंपनी के स्टॉक्स ऐसे बेचता था उस कंपनी के शेयर के इन्वेस्टर्स सड़क पे आ जाए। बड़े बड़े ट्रेडर्स जो बुल ट्रेडर्स बोले जाते थे, वो मनु मानिक सर और उनके कार्टल से इतना डर गए थे कि वो तो हल्के हल्के मार्केट से बाहर ही आ गए। इनकी तहशक का मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, इन्होंने एक स्टॉक को 100 रुपए से 1 रुपए में ले आए। कितने से? 100 रुपए से 1 रुपए में ले आए इन 7 days। कितने? 7 दिन। ये थी इनकी मैनिपुलेशन की ताकत। मनु माने की इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा फैल गया, उनकी तहशक, उनका डर इतना ज्यादा फैल गया कि बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स, बड़े बड़े प्रमोटर्स, बड़े बड़े ऑफिशियल्स इनके सामने जब आते थे ना, उनके पैर कांप जाते थे। दैट वॉज द पावर ऑफ मनु मानिक। कंपनीज के प्रमोटर्स इनके परमिशन और इनके आशीर्वाद से डिसाइड होते थे, कंपनीज के आईपीओस भी इनकी परमिशन से डिसाइड होते थे। और अगर मनु मानिक सर किसी बड़े ट्रेड में फंस गए तो होता क्या था, उनकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बड़े बड़े ऑफिशियल्स के साथ दोस्ती थी और जैसे ही वो ट्रेड में फंसे, BSE 2-3 दिन के लिए बंद। इसको बोलते हैं गुंडा राज। बट बोलते हैं ना
अगर किस्मत में कुछ लिखा हो तो किसी का बाप उसको नहीं रोक सकता। हमारी देश की किस्मत में लिखा हुआ है कि हम बनेंगे दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इसी देश में दो लोग पैदा हुए, धीरूभाई अंबानी और हर्षद मेहता, जिन्होंने इस बेयर कार्टल को अपनी औकात दिखा दी। मैन्युपुलेशन ना स्टॉक मार्केट्स में आज भी होती है और पेनी स्टॉक्स में होती है। चाहे रूल्स जितने भी स्ट्रिक्ट हो जाए, लोग तो मैन्युपुलेट कर ही लेते हैं। बिकॉज इन मैन्युपुलेटर्स और बड़े बड़े ऑपरेटर्स को पता है कि इन छोटे स्टॉक्स में ना एक आदमी सिर्फ अपनी साइकोलॉजी से काम लेता है। और आज भी हमारे देश में रिटेल इन्वेस्टर्स ना फंडामेंटल सिर्फ ध्यान भी नहीं देते। और यही साइकोलॉजी समझाने के लिए कि इन इन्वेस्टर्स को कैसे फंसाया जाता है, कैसे इनको घुटनों के बल तोड़ के इनसे पैसे निकाले जाते हैं, मैंने पूरा मास्टर क्लास बनाया है जहां मैं आपको बताता हूं द स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी। और आपको उसमें मैं ऐसे फैक्ट्स और ऐसी चीजें बताऊंगा ना, आपका दिमाग फटाका फटा रह जाएगा। इस मास्टर क्लास का लिंक नीचे है, पेड मास्टर क्लास है, बिकॉज मुझे यहाँ पे सिर्फ वो लोग चाहिए जो जेन्युइनली सीरियस हैं। इट विल कॉस्ट यू लेस देन अ पिज़्ज़ा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चैप्टर नंबर 5, धीरूभाई अंबानी से पंगा। 1977 में रिलायंस का आईपीओ आया था। उस समय का वो सबसे बड़ा आईपीओ और सबसे ज्यादा फेमस आईपीओ था, बिकॉज हमारे देश के बहुत सारे लोग रिलायंस के आईपीओ को देख के शेयर बाजार में उन्होंने एंट्री ली थी। एंड रिलायंस इतना ज्यादा हाइप था, इतनी ज्यादा अच्छी बातें थी स्टॉक के बारे में, ये होता था कि धीरूभाई अंबानी वो हैं जो रैक्स टू रिचेज आए हैं, धीरूभाई अंबानी वो हैं जो अपने साथ पूरे देश को अमीर बना रहे हैं। और ये आपको इनकी स्टॉक प्राइस दिख जाएगा। 1977 में रिलायंस की शेयर की प्राइस थी 10 रुपए, 1978 में हो गई 50 रुपए, 1980 में हो गई 104 रुपए, एंड 1982 में हो गई 186 रुपीज। ये चीज मन्नू मानिक और के बैग कार्टल को बहुत ज्यादा खटकती थी, बिकॉज ये प्रॉब्लम थी ईगोस की। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके होते हुए उनके राज में धीरूभाई अंबानी की ज्यादा तारीफ हो रही हो और धीरूभाई अंबानी को ज्यादा पावरफुल दिखाया जाए। मन्नू मानिक एक ईगोइस्टिक आदमी थे, तो वो बस वेट करते गए कि एक बार रिलायंस की स्टॉक की एक खराब न्यूज आए और वो स्टॉक को तोड़े। और ये वेट खत्म हो गई 1982 में। इस समय रिलायंस ने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस समय एक रूमर फैल गया कि रिलायंस कंपनी एक फाइनेंशियल क्रंच में है, इसको पैसे की दिक्कत हो रही है। और बस मन्नू मानिक और पूरा बेयर कार्टल इस स्टॉक पे चढ़ गया और इतनी बुरी तरह चढ़ा कि सिर्फ एक दिन में रिलायंस की स्टॉक की प्राइस को वो 131 से तोड़ के 121 पे ले आए। धीरूभाई अंबानी सर को पता चल गया कि देखो सर, ब्लैक कोबरा आपके स्टॉक पे बैठ गए। अब धीरूभाई अंबानी वो आदमी थे जो अपने इन्वेस्टर के ट्रस्ट के लिए, अपने इन्वेस्टर के फेथ के लिए किसी भी हद पार करने के रेडी थे, किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी थे। मन्नू मानिक के बेयर कार्टल ने 10 लाख शेयर बेचे, वहीं से रिलायंस के किसी ने 10 लाख शेयर खरीद लिए। अब आप लॉजिकली सोचोगे, मन्नू मानिक का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था उस समय, उनको आराम से पता चल जाता कि ये स्टॉक खरीद कौन रहा है। बट मजे की बात ये थी कि जो भी रिलायंस के स्टॉक खरीदे जा रहे थे ना, वो बाहर के इन्वेस्टर्स से, इंडिया से बाहर के इन्वेस्टर्स के थ्रू खरीदे जा रहे थे, जिसके से मन्नू मानिक को पता ही नहीं चल रहा था ये स्टॉक खरीद कौन रहा है। मन्नू मानिक ने सोचा, कोई नहीं सर, 1 लाख शेयर और शॉर्ट कर दिए। 1 लाख शेयर खरीद लिए, उन्होंने 8 लाख शेयर शॉर्ट और किए, 8 लाख और खरीद लिए। ये बैटल इतनी लंबी चली कि उस समय रिलायंस के 10 करोड़ के शेयर खरीदे गए थे। और धीरूभाई अंबानी ने ना इस ब्लैक कोबरा को अपने हाथों में जकड़ लिया था, जिसमें मन्नू मानिक को खुद हार माननी पड़ी। और बाद में पता यह चला वो धीरूभाई अंबानी ही थे जो अपने बाहर के फ्रेंड्स के थ्रू रिलायंस के स्टॉक खरीद रहे थे। मैं आपको बोल रहा था ना, धीरूभाई अंबानी वो आदमी थे जो अपने इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट और भरोसे के लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी थे। चैप्टर नंबर 6, हर्षद मेहता का थप्पड़। हर्षद मेहता द बिग बुल, और दूसरी तरफ मन्नू मानिक उनका बेयर कार्टल। इनके शेयर बाजार में बहुत सारे फेस ऑफ हुए, जैसे कि जब भी न्यूज आ जाती और हर्षद मेहता को पता चल जाता कि मन्नू मानिक इस स्टॉक को तोड़ रहे हैं, वहीं पे हर्षद मेहता उस स्टॉक को खरीदने लग जाते। और हर्षद मेहता हर बार इसलिए जीत पा रहे थे बिकॉज उनकी पब्लिक रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, लोग उन पे भरोसा करते थे। हमारे देश के इन्वेस्टर्स उस समय हर्षद मेहता की पूजा करने लग गए थे, एंड जैसे ही हर्षद मेहता कोई शेयर खरीदते सब खरीदने बैठ जाते, जिसके से बेयर कार्टल इसको संभाल ही नहीं पाता। तो मन्नू मानिक ने पहले किया हर्षद मेहता की रेपुटेशन पर अटैक कि हर्षद मेहता ने ये ड्यूज पे नहीं किए, ये पे नहीं किए, वो पे नहीं किए, जबकि बहुत सारे केस में हर्षद मेहता वो ड्यूज पहले क्लियर कर चुके थे। बट ऐसी न्यूज फ्लोट कर करके हर्षद मेहता की क्रेडिबिलिटी में बहुत बड़ा डेंट आया, जिसके से बोलते हैं कि हर्षद मेहता को 1 करोड़ तक का नुकसान हो गया। और हर बार
हर्षद मेहता स्टॉक को इतना ऊपर ले जाते, बेयर मार्केट को इस तरह तोड़ते कि मन्नू मानिक और उनका पूरा कार्टेल हैरान था कि हर्षद मेहता के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। जो फिर खुलासा हुआ बैंक्स के बीच से, जो खुलासा हुआ था बाय सुचिता दलाल। और कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। सुचिता दलाल ने अब एक सेबी पे रिपोर्ट निकाली है कि कैसे अभी भी स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है और सेबी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और ये समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी और इन डेप्थ समझनी है, डेटा एंड फैक्ट्स अच्छे से समझनी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरी 4 घंटे की मास्टर क्लास है, लिंक नीचे है, रजिस्टर इट। I'm going to see you there.